नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी सामान्य का सातवां पार्ट, जिसका नाम है बल बहादुरी। बल बहादुरी जो पार्ट है ये 12th इंग्लिश मीडियम में मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और ये पेज नंबर 26 पर लिखा हुआ है, जिसका नाम है बल बहादुरी। बल बहादुरी के रचयिता हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बल बहादुरी जो पार्ट है ये गद्य कौन सी विधा है, ये निबंध। क्या है? निबंध। इससे जुड़े हुए सही विकल्प आपको कहां मिलेंगे? नीले डिब्बे में और केंद्रीय भाव में। तो मैं आपको कुछ मुख्य बिंदु समझा देता हूं इसमें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहां पर जो लेखक है वो क्या बोल रहे हैं कि बल में पुरुषत्व का निवास होता है। जो बलशाली व्यक्ति होता है उसमें पुरुषत्व का निवास होता है, और जो सहज हृदय का व्यक्ति होता है, नरम हृदय का व्यक्ति होता है, उसमें देवत्व का प्रभाव होता है, गुण होता है, ठीक है। ऐसा देखा जाता है हमारे समाज में, जिस व्यक्ति में बल नहीं होता है उसे कायर की नपुंसकता की संज्ञा दे देते हैं हमारे भारतीय लोग, ठीक है। फिर अगले पैराग्राफ में बोल रहे हैं वो लेखक, जो पुरुषत्व होता है वो अभय का जनक है। मतलब जिसके अंदर बल होता है, ठीक है, जिसके अंदर पुरुषत्व होता है उसे माना जाता है तो अभय का जनक है, यानी कि इसे कोई डर नहीं है, लगता ये निर्भीक है। और जिसके अंदर देवत्व की भावना होती है, जो सहज हृदय का होता है, नरम हृदय का होता है, क्योंकि तुम तो शांति के उपासक हो, शांति की बातें करते हो, इस प्रकार की बातें कही जाती है। तो लेखक हम यहां पर बोल रहे हैं कि देखते हैं पुरुषत्व बड़ा है कि देवत्व बड़ा है, ठीक है, यानी कि बल बड़ा है कि बुद्धि बड़ी है या शांति बड़ी है, ये देखते हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है यहां पर कि देखो भैया, रावण भी बलि था, राम भी बलि थे, कृष्ण भी बलि थे, कंस भी बलि था, ठीक है। तो आज जब बल ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब बल ही सबसे अच्छी चीज है, लोगों को ताकत ही पसंद आती है, तो फिर आज एक की जयंती क्यों मनाई जाती है और एक को जलाया क्यों जाता है? एक को बुरी नजरों से देखा जाता है, एक को अच्छी नजरों से देखा जाता है, क्योंकि बल तो चारों में था ना, इनमें चारों में था ना बल, तो फिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो लेखक इस बात से स्पष्ट करना चाहते हैं यहां पर कि देखिए, ना तो बल बड़ा है ना ही बुद्धि बड़ी है, दोनों का संयोग बड़ा होता है, ठीक है। कृष्ण ने, राम ने बल के साथ साथ अपने बुद्धि का प्रयोग किया, काय का प्रयोग किया, बुद्धि का प्रयोग किया, ठीक है। और रावण, जरासंध, कंस, दुर्योधन, इन्होंने हुआ बल 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 का ही प्रयोग किया, तो इनका नामो निशान ही मिट गया है, ठीक है। उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति ने अपने बल के द्वारा जनता के अधिकारों की रक्षा की, यानी कि बल के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जनता के अधिकारों की रक्षा की, ठीक है। और दूसरे ने क्या करा, सिर्फ स्वार्थ, मद, नशा, बस यही तो इन दोनों में अंतर है, राम में, कृष्ण में, कंस में, रावण में, इन चारों में यही तो अंतर हुआ। एक ने क्या करा, बुद्धि और बल का सदुपयोग किया, और एक ने दुरुपयोग किया। वो बोल रहे हैं लेखक, जब अभय और शांति का सुंदर सम्मेलन, संयोग हो जाएगा, तो मानव सभ्यता स्वर्ग की ओर गमन करेगी। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, बल क्या प्रयोग करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। आजकल लोगों में इतना गुस्सा है, अपने बल का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, कोई हद ही नहीं है। नेता देखो, छात्र देखो, शिक्षक देखो, कोई भी देखो, सब अपने बल में चूर हैं, नशे में चूर हैं। जबकि हमारे देश के चाणक्य ने कहा है, राजनीति के जो चाणक्य, उन्होंने कहा है कि बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए हमें, ठीक है। आगे वो बोल रहे हैं पेज नंबर 27, और मैं आपको सिर्फ मुख्य मुख्य बिंदु बता रहा हूं इस पाठ के। आगे लेखक बोल रहे हैं कि बल आकर्षण का केंद्र होता है, जो बल होता है वो हर किसी को आपकी ओर आकर्षित कर देगा। जैसे आज के बच्चे बॉडी बनाने जाते हैं, कहीं रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, पैसे का बल दिखाते हैं, तो ये सही बात है कि बल जो होता है वो आपको, आपकी ओर किसी को भी आकर्षित कर लेगा, आपके कई सारे मित्र बन जाएंगे, काय कारण, बल के कारण, ठीक है। सबल, जिसके अंदर बल होता है, सब लोग उसको मुग्ध दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। प्रेम और श्रद्धा का स्नेह अपार, उनके चरणों में समर्पित कर सभी अपने को धन्य समझते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर बल होता है
उसके लाखों प्रशंसक होते हैं, वो लाखों प्रशंसक उसकी छत्र छाया में रहकर अपने आप को धन्य समझते हैं, परंतु ये बल्कि सच्ची परिभाषा नहीं है। लेखक ऐसा कह रहे हैं, ये बल्कि सच्ची परिभाषा नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं। बल्कि सच्ची प्रशंसा, सच्ची परिभाषा यह है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके बल की प्रशंसा करे, वो आपका सच्चा बल है। समझे? जैसे आपके बल की प्रशंसा हजारों व्यक्ति करते हैं, मैं करता हूं, मैं आपका मतलब आपके माता पिता करते हैं, मैं आपका परिचित हूं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तो ये कोई सच्ची प्रशंसा नहीं है। आपके बल की प्रशंसा कोई अन्य व्यक्ति करता है, कोई आपका शत्रु करता है कि भैया उसमें बहुत बल है, तब वो आपकी सच्ची बल की सच्चे बल की प्रशंसा होती है। कुछ उदाहरण दिया उन्होंने, इतिहास गवाह है, दो योद्धा थे जिनका नाम था रत्न जयमल और वीर शिरोमणि फत्ता, ठीक है, ये दो योद्धा थे, राजपूत थे दोनों, जो गर्दन कटने के बाद भी क्या होगा, लड़ते रहे, क्या करते रहे, लड़ते रहे, तो इनके बल की सच्ची प्रशंसा किसने की, अकबर ने, इनके शत्रु अकबर ने करी। अगर महाराणा प्रताप करते या फिर राजपूत राजा करते, लेखक करें, कवि करें, तो क्या माना जाएगा, अरे ये तो भारतीय हैं, तो अपने बल को तो बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर रहे हैं, तो ये हमने नहीं, स्वयं अकबर नामा पुस्तक में अकबर ने प्रशंसा की है। फिर है झांसी की रानी की, अगर मैं प्रशंसा करता हूं तो लोग मेरे पे टीका टिप्पणी करेंगे, शायद तेरी अपनी होगी, शायद तेरे देश की है, तो इसलिए तू प्रशंसा तो करेगा ही सही, क्योंकि अपनी माँ को डाकन कौन बोलेगा, इस प्रकार के हमारे ऊपर लांछन लगा देते हैं। लेकिन झांसी की रानी की सच्ची प्रशंसा तो किसने की है, उनके शत्रु ब्रिटिश सेनापति हीरोज ने की है। किसने की है, हीरोज ने, ऐसा ऐसी वीर वीरांगना मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसी महिला मैंने कहीं नहीं देखी, ठीक है। अगले पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि बल और बुद्धि का वही संबंध है जो देह और आंख का, ठीक है, यानी कि बल और बुद्धि का संबंध कैसा है, जैसे देह और आंख का। जिस व्यक्ति ने बल और बुद्धि का सही उपयोग कर लिया, उसका बेड़ा पार हो गया, वो इतिहास के पन्नों में अजर अमर हो गया, और जिसने सिर्फ बल ही बल्कि हुंकार भरी, वो नस्ते नाबूद हो गया, ध्वंस हो गया। वो उदाहरण बता रहे हैं वो कि राजपूतों में बहुत बल था, राजपूतों में क्या था, बहुत बल था, ठीक है, पूरा विश्व उनके बल की उपमाओं से भरा पड़ा है ना, पूरा साहित्य उनके बल की उपमाओं से भरा पड़ा है, हर व्यक्ति ने उनके बल की प्रशंसा की है, परंतु ऐसा बल भी क्या, ऐसा बल भी किस काम का, जो राजपूतों के हिस्से में क्या ही, सिर्फ क्या ही, हार ही हार, ठीक है। तो लेखक बोल रहे हैं कि यह कहना गलत नहीं है कि राजपूत, राजपूतों में बल ही बल था, लेकिन वो अपने बल का सही उपयोग नहीं कर पाए, वो आपस में ही शत्रु बन बैठे, यानी कि वो अपने बल पर इतना गुमान कर बैठे कि मैं ही सबसे बड़ा बलशाली व्यक्ति हूं। दूसरा राजा बोला अरे मैं ही सबसे बड़ा बलशाली हूं, दूसरा राजा बोलता मैं ही सबसे बड़ा बलशाली हूं, इसलिए उन्होंने जब देखा कि ये तो अपने अपने बल में चूर हैं, तो शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, उनकी ताकत को छिन्न भिन्न कर दिया, तो इसलिए इतिहास के पन्नों पर राजपूत राजाओं के माथे पर क्या लगाया, कलंक का टीका लगा हुआ है कि ये कभी एकजुट नहीं हो पाए। अगर ये सभी राजपूत राजा बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करते, तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। फिर अगला उदाहरण दिया उन्होंने शाहजहां का, जो शाहजहां का उत्तराधिकारी था दारा, शाहजहां के बड़े लड़के का नाम क्या था, दारा, दारा में 60,000 हाथियों की ताकत थी, परंतु उसको किसने हरा दिया, उसके छोटे भाई औरंगजेब ने हरा दिया, काय के कारण, बल और बुद्धि के कारण। जबकि शाहजहां का जो उत्तराधिकारी दारा, वो सिर्फ बल का ही प्रयोग करता रहा, बल का ही प्रयोग करता रहा, ठीक है, और जबकि जो औरंगजेब था उसने बल और बुद्धि का उपयोग किया, ठीक है। अब आपको समझ में आया, बल के साथ साथ काय की जरूरत है, बुद्धि की, शांति की, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बल बहादुरी पर ही हुंकार भरो आप, हुंकार भरो आप, जो नेता होते ना नेता, वो अपने बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए वो जेल में से भी चुनाव जीत जाते हैं, कितना मूर्ख बनाते हैं लोगों को। अब वो बोल रहे हैं, बल के साथ साथ बुद्धि का एकत्र संयोग सौभाग्य श्री का पुनीत वरदान है, अगर बल और बुद्धि का साथ साथ आप प्रयोग करोगे तो
चमकती हुई विजय आपके चरणों में लोट लगाएगी। अब बोल रहे हैं कि बल की चरम सीमा कहाँ है, तो कुछ लोग मानते हैं कि बल की चरम सीमा है शत्रु दल गंजन में, हुहा, ठीक है, हर हर महादेव करने में, ठीक है, खेसरी के साथ खेल खेलने में, देश और धर्म के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये बल की चरम सीमा नहीं है, बल की चरम सीमा यह है जब आप रण क्षेत्र में जाते हो तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी जो मुस्कान होती है, जो चेहरे पर एक हल्का सा तेज होता है, वो है सच्चा बल, सच्चे बल की चरम सीमा। फिर आगे बता रहे हैं वो कि जो पश्चिमी देश रहे हैं, जो यूरोप है, रूस है वगैरह, जो देश है हमारे, जो पश्चिमी देश है, जो अंग्रेजों के देश है, ये हमेशा सदा बल के उपासक रहे हैं। इन्होंने अपने बल के दम पर सभी विश्व के देशों पर कब्जा कर लिया है। और जबकि जो भारत है वो काय पर है, आत्मबल पर, काय पर है वो, आत्मबल का उपासक है, काय का उपासक है वो, आत्मबल का, ठीक है। आज आप देखिए जो पश्चिमी देश है वो टुकड़ों में बदल गए हैं, काय बदल गए हैं, टुकड़ों में, वो भारत से भी छोटे छोटे देश हो गए हैं। भारत तो फिर भी इतने आक्रमण होने के बाद भी क्या रहा है, इतना बड़ा देश बनकर उभरा है वो, ठीक है। लेकिन जो बाकी देशों को देखो, रशिया को देखो, यूरोप को, जो अंग्रेजों के देशों को देखो, तो ये क्या हुआ है, टूट चुके हैं, छोटे छोटे देशों में टूट चुके हैं। तो ऐसा भी बल किस काम का, ऐसा भी बल किस काम का। तो उन्होंने बोला जो भारत है इसने अपनी बुद्धि के साथ और बल के साथ, मतलब अपनी बुद्धि के साथ और बल के साथ क्या किया है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। तो जब भी तो इतने आक्रमण होने के बाद भी हमारे भारत का नाम जिंदा है, ठीक है, भारत पूरे विश्व में धाक रखता है। तो क्यों, क्योंकि उसे दो चीजों से काम लिया है, भारत ने दो चीजों से काम लिया है, बल्कि पश्चिमी देशों ने सिर्फ बल ही बल की उपासना की है, ठीक है। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं किया है, क्योंकि शांति का अग्रदूत रहा है, उपासक रहा है। जब इस पाठ को आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो यानी कि बल से नहीं, बल और आत्मबल, ठीक है, बल और बुद्धि, बल और शांति का हमें प्रयोग करना चाहिए हर क्षेत्र में। कभी भी आपको निराश नहीं होना चाहिए। अभी आप समझ रहे होंगे लॉकडाउन है, क्या चल रहा है, कैसे पढ़ें, लेकिन इससे आपको निराश नहीं होना चाहिए। अंधकार के बाद ही एक प्रकाश की किरण आती है, तो बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग होना चाहिए। आप ये करते रह जाओगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, और जो बच्चा कछुए की रफ्तार से चल रहा है आगे, वो आगे बढ़ जाएगा। तो इन बातों में समय मत खपाइए, बल के साथ बुद्धि का प्रयोग कीजिए। तो हम देखते हैं बल बहादुरी से संबंधित कुछ सही विकल्प। इस पाठ के रचयिता का नाम मैंने बता दिया, इस पाठ ये कौन सी विधा है ये भी मैं बता चुका हूं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभा का जन्म हुआ है 1906 में हुआ है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ है, ठीक है। अब बल बहादुरी जो पाठ है ये किस प्रकार का निबंध है, ये विवेचनात्मक निबंध है कि भावात्मक निबंध है या सामाजिक निबंध है, ठीक है। इस प्रकार आपको पूछा जाएगा तो कैसा है, विवेचनात्मक, क्या किया इसमें, विवेचना की है, तो विवेचनात्मक निबंध है। बल बहादुरी पाठ किस शैली में लिखा गया है, तो समाज शैली में लिखा गया है, यहां पर लिखा हुआ है सर केंद्रीय भाव में, उधर समाज शैली में कौन सा पाठ है, बल बहादुरी है। प्रभाकर जी ने कौन सी दो पत्रिकाओं का संपादन किया है, तो ज्ञानोदय का किया है और नया जीवन पत्रिका का संपादन किया है। बल में काय का निवास होता है, पुरुषत्व का, ठीक है, पुरुषत्व काय का जनक है, अभय का, निडरता का, निर्भीकता का, देवत्व, देवत्व काय का जनक है, शांति का, बल काय का केंद्र है, आकर्षण का, बल की ओर सब लोग आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। जयमल और फत्ता की प्रशंसा किसने की है, अकबर ने की है, ठीक है, उनके स्वयं के शत्रु ने। लक्ष्मीबाई की प्रशंसा किसने की है, उसके शत्रु ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज ने की है। शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था, दारा, उनका बड़ा पुत्र दारा था, जिसमें 60,000 हाथियों का बल था। शाहजहां का छोटे पुत्र का नाम क्या था, औरंगजेब, औरंगजेब के बड़े भाई का नाम क्या था, दारा। पश्चिमी शरीर किसका उपासक है, पश्चिमी शरीर बल का उपासक है, जो इंग्लैंड, ब्रिटेन और इटली फिटली जो भी है, जर्मन, ये सब काय का उपासक है, बल के, रूस। जबकि भारत काय का उपासक है, आत्मबल का उपासक है, भारत बल के साथ साथ बुद्धि का उपयोग करता है, ठीक है। तो बल बहादुरी पाठ आपको आज समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं भाषा अनुशीलन। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनमें से आप प्रत्यय प्रत्यक कीजिए,
ठीक है, आपको क्या करना है, प्रत्यय पृथक करना है। तो सबसे पहला पुरुषत्व, ये पुरुष, तो इसमें से क्या भाव हो जाएगा, तत्व, क्या भाव हो जाएगा, तत्व, तो ये प्रत्यय निकला इसमें से तत्व, ये देखिए ये पुरुष पुरुषत्व है, तो इसमें से क्या भाव निकला, तत्व, इसमें तत्व प्रत्यय लगा हुआ था। फिर है मानवता, तो इसमें क्या है प्रत्यय, ये तो याद ही होगा, आपने 11वीं पढ़ी है, 10वीं पढ़ी है, ता, वीरता में ता, कर्मण्यता में ता, दूध वाला में वाला, चरितार्थता में ता। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए, इतिहास उपवन, तो लिखो इतिहास रूपी उपवन, जहां पर रूप आ जाता है रूपी, तो कौन सा समास होता है वहां पर, कर्मधारय। एक और तरह से इसका विग्रह कर सकते हैं हम, इतिहास में दर्ज है जो उपवन, इतिहास में दर्ज है जो उपवन, ये भी कर्मधारय है। वीरता वल्लरी, वीरता की वल्लरी, तो इसमें कौन सा है, तत्पुरुष। पराग माला, पराग की माला, तो किया गया तो कौन सा है, तत्पुरुष। नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश अनुसार रूपांतरित करिए, मोहन पुस्तक खरीदकर पढ़ता है, मोहन पुस्तक खरीदकर पढ़ता है, ये अभी सरल वाक्य है, आपको इसको मिश्र वाक्य बदलना है, तो दो वाक्य बनाने इसके आपको, तो लिखो मोहन ने पुस्तक खरीदकर कहा कि वह इसे पढ़ेगा। अगला है समय बहुत खराब है इसलिए देखभाल कर चलना चाहिए, ठीक है, तो इस सरल वाक्य में बनाना है आपको, तो बनाइए देखभाल कर चलो समय बहुत खराब है, देखभाल कर चलो समय बहुत खराब है। अगला है विद्वानों का सभी आदर करते हैं, ये भी सरल वाक्य, तो आपको कायम बनाना मिश्र वाक्य में, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। अगला है तुम परिश्रम करो और परीक्षा में सफल हो जाओ, यह और आ गया तो कौन सा संयुक्त है, परंतु संयुक्त को आपको कायम बदलना है सरल में, तुम परिश्रम करके परीक्षा में सफल हो सकते हो। अगला है राम पुस्तकें पढ़ता है जिससे उसे ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, ये मिश्र वाक्य है, इससे आपको संयुक्त में बनाना है, तो जिससे काट के क्या कर लोगे, और, जिससे काट दीजिए और लिख लीजिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद।